नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार आज आपको बताऊंगा लक्ष्मी क्रीम सेपरेटर 1000 LPH का प्रोसेस वीडियो कि हम इसको कैसे कैसे सेट करते हैं, इसको यूज करने की कौन सी विधि है, कैसे कैसे हम इसकी असेंबली करते हैं और कैसे इसको हम रनिंग करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आते हैं हम। ये हमारा बाउल होल्डर है, इसमें हमने ये दो होल डाले हुए हैं। इसको हम किसी भी फ्रेम में इसको हम कस देंगे। कसने के बाद हमने इसके अंदर ये बॉटम डालना है। ये बॉटम डल जाएगा। बॉटम डलने के बाद हमने इसको यहाँ से ऐसे करके टाइट कर देना है। ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद उसके बाद ये हमारा बाउल रबड़ रिंग है जो हम इसके अंदर ऐसे, ये हमारा ग्रूव बना हुआ है इसके अंदर, ये जो ग्रूव बना हुआ है इसको हम इसके अंदर ऐसे करके इसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हम इसको बैठा देंगे। उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हमारा एक ये होल होता है। होल इसके अंदर हमारी ये पिन लगी हुई होती है। ये जो पिन लगी हुई है हम इसको ऐसे करेंगे और इस होल को लाके हम इसके अंदर ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद ये हमारी बॉल्डिक्स है डबल पॉइंट की। इसमें दोनों तरफ होते हैं, ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं दोनों तरफ होते हैं। अब इसको हम इसके अंदर डालते हैं। कई बार लोग गलती करते हैं कि इसको इधर उधर घुमा के ऐसे करके ज़बरदस्ती करते हैं इसको डालने के लिए। हमें ये ध्यान रखना कि ये जो स्लॉट है ये दो सेम होते हैं और ये एक बड़ा होता है तो बड़े वाले की साइड में ही डालना है। ये हम ऐसे करके ये डल गई, ये सबसे नीचे आती है। उसके बाद सेम ये बोल्डिक्स होती हैं। ये बोल्डिक्स होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कोई रिवेट नहीं होती, कोई पॉइंट नहीं होता। इसके बाद वन बाय वन करके हम इसको डालते चले जाते। मैं आपको बता दूं कि ये इसके अंदर जो बोल्डिक्स डलती हैं वो 38 से 40 के बीच में डलती हैं। वन बाय वन करके हम ये अपना बाउल को कंप्लीट कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें जो ये स्लॉट है स्लॉट उसी के सामने आना चाहिए, जो बड़ा स्लॉट है बड़े के सामने ही आना चाहिए ताकि इसको हमें डालने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद ये हमारी बॉल की भी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी टॉप डिक्स है और ये हमारी बॉल डिक्स है। ये इसमें हमारी जो यहाँ से इसके जरिए क्रीम आती है इधर से, तो अब हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ये हमारा बाउल कवर है। बाउल कवर के अंदर ये स्लॉट कटा हुआ होता है, एक ये पिन लगी हुई होती है। ये पिन का हमने ध्यान रखना है कि जैसे ही हम ये इसके अंदर ये हमने इसको बैठाया, ये इसके अंदर आ गया और इसके बाद ये हमारा जो ये स्लॉट है इसके अंदर हमारी ये पिन ऐसे करके बैठ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये इसका बाउल नट है, इसका बाउल नट है। इस बॉटम के अंदर हमारी उल्टी चूड़ियाँ होती हैं, इसको हम ऐसे लगाएंगे तो हमने उल्टी तरफ इसको टाइट करना है इस तरह से। इसको हमने टाइट करना है और इसको हमें इतना टाइट करना है स्पेंडर की सहायता से, इसको हमें इतना टाइट करना है। और ये हमारा बाउल की है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे और हमें इसको इतना टाइट करना है कि ये हमारी जो मशीन है ये 6 से 6,500 RPM पर घूमती है, ताकि इसको हमें इतना फुल टाइट करना है कि ये खुले ना। इसको हमें फुल्ली टाइट करना है, जितना भी हमारे अंदर प्रेशर है उसके अंदर हम इसको टाइट कर देंगे इस स्पैनर की सहायता से। उसके बाद ये हमारा
बॉल इसको फिर हम यहाँ से इधर से ये खोलेंगे, इसको खोल के निकाल देंगे। ये हमारा बॉल लिफ्टिंग टूल है, ये हम इसके अंदर ऐसे करके डालेंगे और इसको हमने फिर ऐसे उठाना है। ऐसे उठा के हमने इसको इस लिफ्टिंग टूल की वजह से इसको उठाना है। और मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर जो ये हमारी जो बुश की पत्ती लगी हुई है, इस बुश की पत्ती को हमने इसको हम ऐसे उठाएंगे, मशीन के ऊपर आ गया, इस बुश की पत्ती को हमने इस स्लॉट के साथ में मैच करना है। तो अब हम इसको ऐसे करके ये फुट कर दिया। ये हमारा स्किम मिल्क पॉट है। सबसे पहले फर्स्ट ये देखो, ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसको हमने ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे पुट कर देना है। ये इसके अंदर बैठ जाएगा। हमने एक चीज का ध्यान रखना है जनरली कि ये जो कूलर है हमारी, इससे नीचे रहनी चाहिए ताकि इसमें जो सेपरेटर बाहर आएगा वो इसके अंदर आराम से आए। उसके बाद ये हमारा क्रीम कवर, इसके अंदर से हमारी क्रीम आती है, इसको हमने इस तरह से ऐसे लगा दिया। और इसमें भी हमने एक चीज़ का जनरली ध्यान रखना है कि ये जो क्रीम का पार्ट है, ये जहाँ से क्रीम आनी है, ये भी हमारा इसके लेवल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं, ये हमारा फ्लोट चैम्बर है। फ्लोट चैम्बर को के अंदर यहाँ से फीडिंग आती है, इसको हमने ऐसे करके इसके ऊपर सेट कर दिया। हमने एक चीज़ का ध्यान करना है कि जो ये हमारे क्लैंप हैं, ये हमने इस पर फुली टाइट करने हैं। ये हमारा फ्लोट है जो दूध के लेवल को बैलेंस करके रखता है। हम इस फ्लोट चैम्बर के अंदर इसको ऐसे करके लगाएंगे, ये हमारे दूध के लेवल को बैलेंस करता है कि इसमें जो इसकी जो फीडिंग है वो प्रॉपर तरीके से डालता है। उसके बाद मैं आपको बता दे दूँ कि काफ़ी कस्टमर इसको यहाँ तक भी यूज करते हैं कि भाई हम डायरेक्ट अपनी सप्लाई पाइपलाइन से दे दें या किसी और चीज़ से दे सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ कस्टमर होते हैं कि भाई हमें इसके लिए हमें पंप की अलग से फीडिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं बता दूं कि हमने ये फिर इस पर हमने ये प्लेट लगती है, हम इसको टाइट कर देंगे, इसको हमको टाइट कर देंगे। और उसके बाद ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल है, इसकी सहायता से हम इसकी मिल्क की फीडिंग को ओके करते हैं। इसके बाद ये पंप है, यहाँ से इसके अंदर यहाँ से इनलेट लगता है, इनलेट लगने के बाद फिर यहाँ से पंप के थ्रू पाइप होता दूध होता हुआ इसके अंदर मशीन के अंदर चला जाता है। तो ये थी आज की हमारी प्रोसेस वीडियो फॉर क्रीम सेपरेटर 1000 लीटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, कि इसको यूज करने के बाद हम कैसे इसको क्लीन करते हैं। इसको हमने इधर से खोला, ये सारा का सारा लिया, इसको हमने निकाला, हमने इसको यहाँ से लिफ्ट कर देना है। अब ये हमने इस तरफ हमने टाइट किया था, अब हमने इसको इस तरफ खोलना है। अब हमने इसको ये ऐसे खोल लिया, सारा का सारा अब ऐसे निकालना है, वन बाय वन करके हमने ये निकालना है। इसको हमने गर्म पानी की सहायता से सबको साफ करना है। इसको सब निकालने के बाद हमने एक चीज़ का, इसको जो हमारे ये अंदर का स्लॉट बना हुआ है, हमने इस क्लीनिंग ब्रश की सहायता से इसको हमने अच्छी तरह से ये साफ करना है। इस तरह से ये सबको हमने इसके स्पॉट्स वगैरह को सबको गर्म पानी से धोना है। मैं एक और हमारी मशीन के अंदर खास बात है कि ये जो मशीन है ये ऑयल रहित मशीन है। इसमें हमारी मशीन में कहीं भी ऑयल नहीं डलता है, और क्योंकि जो गियर होते हैं, जो गियर वाली मशीन होती है उसमें तेल डालो,
तेल डालने की जनरेटर रहती हैं, तो ये ऑयल रहित मशीन है। इसकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही कम है और मेंटेनेंस हम इसकी जो ऑन साइट जो मेंटेनेंस है हम एक साल की वारंटी के साथ देते हैं। तो मैंने आपकी आपको इसकी जनरल जो बातें हैं जो इसकी क्वालिटी है मैंने आपको बताई है, इसकी प्रोसेस वीडियो मैंने आपको बताई है, इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है वो मैंने बताई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम मिलते हैं और एक नए प्रोडक्ट के साथ में आपके साथ। मैं लोकेश कुमार विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।